students, I'm here with a very basic lesson in English grammar, that is noun. हम लोगों को मालूम है कि देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच. आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंट्रोडक्शन एंड कंजंक्शन. तो नाउन जो है पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बहुत ही बेसिक क्लास से हम नाउन को पढ़ते आ रहे हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में जो है हम लोग सेट किए हुए हैं. तो यहाँ नाउन को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि नाउन होता क्या है. हालांकि नाउन जो एक वर्ड है, आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ हैं और हर चीज़ का एक नाम होता है. या क्वेश्चन ये है कि हो सकता है आपको उस किसी चीज़ का नाम नहीं मालूम हो लेकिन उसका नाम होता है. तो द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड डिनोट्स नाउन. यानी दुनिया में किसी भी चीज़ का एक नाम होता है और हर एक नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. ठीक है, और नाउन जो है वो बहुत ही बेसिक लेसन है इंग्लिश ग्रामर में. नाउन जो है आपको हर एक सेंटेंस में नेसेसरली आपको मिल जाता है. ठीक है, और नाउन को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो हम लोग नाउन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि नाउन होता क्या है. कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस हैं, जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडियाज एंड फीलिंग. तो नाउन जो है यहाँ पर बताया गया है, ये किसी का नेम हो सकता है, किसी का, कोई पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी चीज़ का नाम, किसी का क्वालिटी हो सकता है. या क्वालिटी से कन्फ्यूज मत होइएगा, हम लोग एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं. उसके बाद ये आइडियाज़ एंड फीलिंग्स. ठीक है, सो इट ऑल्सो टेल्स यू द आइडियाज, फीलिंग्स एंड क्वालिटी ऑफ समथिंग फॉर समवन. उसके बाद हम लोग नाउन्स को हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउन्स को हम लोग बेसिकली समझते हैं कि फाइव काइंड्स होता है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ नाउन को थोड़ा हम डिटेल्ड वे में हम देखेंगे. जैसे नाउन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन को हम अलग रखते हैं. उसके बाद जो है नाउन को उसके दूसरे साइड में हम लोग दो काउंटेबल, अनकाउंटेबल. काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं. काउंटेबल में हमने रखा है कॉमन और कलेक्टिव नाउन. ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल में रखा है. काउंटेबल को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो जो हम लोग केवल उसको फील कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर किया जा सकता है. मटेरियल नाउन में कुछ मटेरियल्स आते हैं जिससे चीज़ें बनती हैं. ठीक है, उसके बाद नाउन जेंडर में आते हैं हम लोग. नाउन जेंडर में हम लोग नाउन को जेंडर के अनुसार भी क्लासीफाई कर सकते हैं. चार तरह के आपके जेंडर्स होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. मस्कुलिन हमेशा मेल चीज़ों को रेफर करता है और फेमिनिन जो है वो फीमेल, कॉमन, जो दोनों को डिनोट करता है, और जो न्यूटर होता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता. ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन मेरे पास है. कभी कभी एक पॉजिटिव नाउन का टर्म भी हमको सुनने में आता है. पॉजिटिव नाउन में क्या होता है कि एपोस्ट्रॉफी एस होता है, एपोस्ट्रॉफ एस. ठीक है, एस के पहले ऊपर एक कॉमा लगा रहता है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ एस. ये दो तरह से यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए. ठीक है, सिंगुलर में अगर करना है, मान लीजिए कैट को अगर हमको पॉजिटिव में दिखाना है तो कैट के बाद एक इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और एस लिखेंगे, कैट्स. और अगर यही प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एस के बाद हम लोग जो है ये अपोस्ट्रॉफ यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसिक काइंड्स ऑफ अ नाउन, देर आर फाइव बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन वी डिस्कस्ड येट. सो यहाँ पर देखेंगे पांच तरह के जो बेसिक काइंड्स हम लोग पढ़ते हैं वो नाउन्स के हैं. तो हम लोग एक एक करके इसको हम डिफाइन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. आई होप आप लोग समझ जाएंगे बहुत आसानी से. पहला है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि वो नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या प्लेस को या थिंग को जो डिनोट करता है. लाइक इट इज़ द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष आदमी का नाम, जैसे किसी का नाम मोहन है, किसी जगह का नाम दिल्ली है, तो ये पर्टिकुलर जगह का नाम है. तो पर्टिकुलर जो नाम को आपको बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन. ठीक है, एग्जाम्पल में मोहन, दिल्ली, ATC और भी हो सकते हैं. उसके बाद आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब होता है वो नाम जो जनरल वे में दिए जाते हैं, जो पर्टिकुलर नहीं होता. अगर हम बात करते हैं कि बॉय, तो बॉय से किसी पर्टिकुलर लड़के का पता नहीं चलता है. बॉय एक क्लास को रेफर करता है. ठीक है, तो क्या है, इट इज़ द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल. जनरली जो हम लोग नेम देते हैं, जैसे किसी का नाम नहीं पता है तो उसको बुलाएंगे ए लड़के इधर आओ. अगर किसी का नाम पता है तो उसको नाम से बुलाएंगे. नाम नहीं पता है तो उसके लिए हम कुछ जनरल वर्ड यूज़ करेंगे, जिसे उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में बॉय, मैन,
पेन ईटीसी। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ का कलेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारी चाबियां का गुच्छा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आई हैव अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही तरह के लोग रहेंगे, एक ही तरह की चीज़ें रहेगी। तो यहाँ पर इट इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। तो जैसे आर्मी, आर्मी जो है पर्टिकुलरली हम सोल्जर के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, टीचर्स के ग्रुप को आर्मी तो नहीं बोल सकते हम। जैसे क्लास होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे बैच होता है, बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कॉयर होता है, कॉयर में बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन को बताते हैं, जो एक कलेक्शन को आपको डिनोट करता है। वो कलेक्शन कैसा होगा, उसमें एक तरह की चीज़ें रहेगी, ठीक है। जैसे अगर बंच ऑफ कीज़ की बात कर रहे हैं, तो गुच्छे में केवल कीज़ रहेंगे, ठीक है, ना कि कुछ और चीज़। उसके बाद आप मटेरियल नाउन देख लीजिए। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि वैसा नाउन जो किसी ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस को बताता है जिससे चीज़ें बनती हैं। जैसे हम बात करते हैं बेंच और वुड में, कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि बेंच मटेरियल नाउन है या वुड मटेरियल नाउन है। तो डेफिनेशन आपका है कि जिस मटेरियल या सब्सटेंस से चीज़ें आपकी बनती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो इसको बड़ी आसानी से आप समझ लीजिए कि वुड से बेंच बन रहे हैं, बेंच से तो वुड नहीं बन रहे हैं। तो किससे बन रहे हैं, मटेरियल कौन है, तो वुड है, तो वुड आपका मटेरियल नाउन हुआ। जैसे बहुत सारे ज्वेलरी हैं, गोल्ड के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं, डायमंड के बनते हैं, तो जिससे चीज़ें बन रही है उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। यहाँ देख लीजिए, इट इज़ द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस और मटेरियल बाई विच थिंग्स आर मेड ऑफ, चीज़ें जिससे बनती हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया, वैसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आपके फीलिंग्स को बताएंगे, आपके आइडियाज़ को बताएंगे, और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो केवल फील किए जा सकते हैं। द वर्ड दैट नेम्स अ क्वालिटी फीलिंग और आइडिया ऑफ समवन और समथिंग लाइक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से क्या है, खुशी। पॉवर्टी, गरीब एक आइडिया है, ठीक है। तो पॉवर्टी जो है एक आइडिया है, ये आपको बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर हम लोग पढ़ते हैं जेंडर के बारे में, सम अदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन लाइक नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स इट विल टेल यू इधर सिंगुलर और प्लूरल। नाउन नंबर्स में हम लोग पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको। नाउन नंबर का मतलब होता है नाउन को हम लोग जो गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स को ही हम लोग नाउन नंबर्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें अगर चीज़ें एक होती है तो सिंगुलर, एक से अधिक होती हैं तो प्लूरल। हम लोग बेसिक क्लास में ही पढ़ेंगे वन एंड मैनी, लाइक बॉय बॉयज़, मैन मैन। तो यहाँ पर जैसे बॉय बॉयज़ हो गया, मैन मैन हो गया, तो इसके भी रूल्स होते हैं कुछ, जो हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं आपके जेंडर की तरफ, नाउन जेंडर। नाउन को हम जेंडर में भी आपको क्लासीफाई करते हैं। बहुत सारे बुक्स में कॉमन नाउन्स को हम जेंडर में क्लासीफाई करते हैं। चार तरह के कॉमन नाउन होते हैं जेंडर के अनुसार। एक होते हैं आपके मैस्कुलिन, सेकेंड इज़ फेमिनिन, थर्ड इज़ कॉमन एंड फोर्थ इज़ न्यूटर। तो मैस्कुलिन का मतलब समझ जाइए मैस्कुलिन मेल, ठीक है। फेमिनिन फीमेल, एंड कॉमन इधर मेल और फीमेल, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। और न्यूटर का मतलब होता है कुछ नहीं होंगे, ना ही वो मेल होंगे ना ही फीमेल होंगे, यानी कोई जेंडर नहीं होगा। जैसे कि पेन है, जैसे कि टेबल है, ठीक है। तो ये सब का कोई जेंडर नहीं होता, तो हम उसको डिफाइन करते हैं। मैस्कुलिन मीन द नेम्स ऑफ मेल एनिमल्स और पर्सन्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जो मेन एनिमल्स होते हैं, मेल एनिमल्स, जो पुरुष एनिमल्स होते हैं या पुरुष पर्सन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन। जैसे लायन, मैन, इटीसी। उसके बाद फेमिनिन है, द नेम्स ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन मैंने बताया फीमेल। वैसे पर्सन और एनिमल जिसको फीमेल में रखा जाता है, जैसे लायनेस, जैसे वेमेन, ठीक है, जैसे गर्ल, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फेमिनिन जेंडर में आती है। कॉमन मैंने बताया कि इसमें या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, या फेमिनिन होंगे या फिर आपके मास्कुलिन होंगे। जैसे टीचर, टीचर में क्या है, ये कॉमन है, ये मेल के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ होता है। जैसे डॉक्टर, कुछ एक वर्ड्स है जो कॉमन जेंडर को बताते हैं। उसके बाद आपका है न्यूटर, द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल। नीदर, ना ही वो मेल है और ना ही फीमेल है, तो ऐसे जेंडर को हम लोग बोलते हैं न्यूटर जेंडर।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटायर वीडियो ऑन नाउन. पूरा जो वीडियो मैंने अपने नाउन पे बनाया, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया. अगर आपको कुछ बातें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है. और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और अधिक वीडियो पाने के लिए बहुत आसान तरीके में मैं आपको ग्रामर्स के सारे टॉपिक्स को डील करता हूँ, और दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है. थैंक यू.